अरे ओ शादाब। हाँ भाई। और भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, तू कैसा है? अरे मैं ठीक हूँ भाई। और मैंने सुना है कि मैं चाचा बन गया। हाँ भाई, 8 दिन पहले ही मेरे यहाँ बेटी हुई है। वो मैं थोड़ा बिजी था ना काम में, इसलिए मिठाई नहीं ला पाया। बेटी हुई है भाई? मैंने बेटी का बोला तो तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई टेंशन तो है ना, इसकी स्कूल की फीस, जमाने का खर्चा, इसके दहेज का खर्चा, शादी का खर्चा, और उस टेंशन में तू भी फंस गया। तेरा बेटा होता ना तो कम से कम तेरे को कमा के तो खिलाता। वाह पापा वाह, ये मत बोलो कि लड़की लड़के को पैदा करती है। बागों के हर फूल को अपना। भाई कुछ बच्ची से सीख। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। ए, इसको यहाँ से उठा के ले जा। कब से रोई जा रही है, परेशान कर रखा है। अप्पा मम्मी बाहर गई है। इसको अंदर उठा के ले जा। कहाँ का बोझ छोड़ गई है मेरे पे। एक तो लड़की पे लड़की पैदा किए जा रही है और ये अलग रोए जा रही है। उठा उठा जल्दी उठा, तेरे को देख के रोना बंद कर दिया उसने। लेके जाए ऐसे। पापा एक बात बोलू। क्या है? पापा बेटी बरकत होती है और आपको उसकी कदर नहीं है, और हम आपको इतना ही बोझ रखते है ना, तो इससे अच्छा तो हमको जहर दे दो, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। जब तक मैं नहीं बोलू ना तब तक घर में मत आना। मम्मी पापा प्लीज आप झगड़ा मत करो। चल चल तू निकल, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे चियू क्या हुआ, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अंकल, मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है। मेरे मम्मी पापा डिवोर्स लेने वाले। क्या बेटा इतनी बड़ी बात हो गई? डिवोर्स होने के बाद तुम किसके साथ रहोगे? अंकल मैं चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों को लाइक करती हूँ 50-50। जून हवाए मम्मी मुझे आइसक्रीम की तरह लगती है, ठंडी ठंडी, और डैडी मुझे चॉकलेट की तरह लगते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, मेरे साथ हमेशा स्वीट रहते हैं। अंकल मैं मम्मी और डैडी दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। कितनी है दूरियां जिस्म तू जान मैं।